अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, टीचर अमीना उर्दू के नए सबक के साथ। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो बच्चों, आज हम उर्दू में नई चीजें सीखेंगे, ठीक है? आप सब तैयार है ना? तो सबसे पहले हम उर्दू की नज़म पढ़ते हैं। ये देखें कितना बड़ा मगरमच्छ है। आज हम मगरमच्छ की नज़म पढ़ेंगे, ठीक है? सब बच्चे तैयार हैं और सब बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। चले जी। अगर नगर के मियां मगरमच्छ, हमको बताओ बिल्कुल सच, दुम है तुम्हारी इतनी मोटी, आंखें क्यों हैं छोटी छोटी, मुस्कुराते हो तुम ऐसे, कोई बात हुई हो जैसे। अच्छा बाबा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुंह ना खोलो, तुम कोई गपशप नहीं करोगे, जो भी हो सामने हड़प करोगे जी। तो ये थी मगरमच्छ की मजेदार सी नज़म। अब हम देखते हैं कि उर्दू में हम और कौन सी नई नई चीजें सीखेंगे। जी बच्चों, आज हम उर्दू का एक नया हर्फ सीखेंगे और उस हर्फ का नाम है जाल। क्या नाम है? जाल। सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें, जाल। तो आज हमारे नए हर्फ का नाम है जाल, और जाल की आवाज होती है ज। जाल की क्या आवाज होती है? ज। और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये देखें, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, और जाल की आवाज क्या होती है? ज। तो आज हम देखेंगे कि जाल की आवाज से कितनी ज्यादा चीजें बनती हैं, ठीक है? ये देखें, सबसे पहले इस तस्वीर को देखें। ये क्या है? ये जखीरा है। जाल, ज, जखीरा। जाल, ज, जखीरा। और अब इस तस्वीर को देखें। ये कौन सी तस्वीर है? ये जहन की तस्वीर है। जाल, ज, जहन। जाल, ज, जहन। शाबाश। अब ये तस्वीर देखें। ये जिबाह करने की तस्वीर है। आपको पता है ना, जिबाह हम किसको करते हैं? जानवरों को करते हैं, ठीक है? और आपको याद होगा कि अभी जो बड़ी ईद गुजरी है, ईद उल अजहा, उसमें हम जानवरों को जिबा करते हैं अल्लाह की राह में। तो जाल से जिबा भी बनता है। ये क्या जिबा हो रहा है? बकरा जिबा हो रहा है, ठीक है? जाल। सब बच्चे बोले, जाल, ज, जिबा। जाल, ज, जिबा। शाबाश। अब ये देखें, ये किस चीज की तस्वीर है? ये जरा है, ठीक है? ये दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं, मकई के दाने, ठीक है? तो ये छोटे छोटे दानों को हम जरा कहते हैं, ठीक है? तो जाल, ज, जरा। जाल, ज, जरा। शाबाश। तो बच्चों, मेरा आज का सबक यहाँ पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक की दोहराई करेंगे और जाल से बनने वाली अशिया घर से तलाश करके अम्मी को बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।